नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड झरोका साथ, मैं हूं पुनीता। दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी की ओर से विशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा के साथ पार्टी के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत की हमारे संवाददाता शहनवाज ने। मन जी, एक बार फिर वही सवाल, किस तरह का माहौल है ये? अभी तो उत्साह का माहौल है, सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, पूरा झारखंड देख रहा है कि जन नेता कैसा होता है। अब देख लीजिए, लोगों से पूछिए हम अपनी बातों को कैसे कहे कि लोगों के मन में क्या है, लेकिन जो ये मौजूदा चुनाव के बाद का परिणाम के बाद का जो माहौल है, लोगों में उत्साह है, काफी खुशी है कि अब उनको लगता है कि प्रश्न ये अभी इस दौर का कि उम्मीदें बढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी लोगों की थोड़ी सी। स्वाभाविक है, उम्मीद बढ़ेंगी, बढ़ना भी चाहिए और सरकार का पूरा प्रयास होगा कि हर उम्मीद उनका पूरा हो, हर सपना। पधारे हैं, ये आज का जो कार्यक्रम होता है ये तो आपको बता दें कि आज जेएमएम का 41वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर विशाल जुलूस निकाला गया और जुलूस में भारी संख्या में लोग यहां पर उमड़े। आपको बता दें कि दुमका में जेएमएम का 41वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन भी किया गया है। स्थापना दिवस की रैली में भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। तो जेएमएम का 41वां स्थापना दिवस, इस मौके पर विशाल जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में भारी संख्या में लोग उमड़े। और आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनके सामने नमन किया। और सीधे आपको लिए चलते हैं दुमका के गांधी मैदान, जहां हमारे संवाददाता शहनवाज बने हुए हैं। शहनवाज, आज जेएमएम का 41वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जेएमएम कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर काफी खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल आप वहां मौजूद हैं जहां पर समारोह का आयोजन किया गया है। नजारा दिखाएं, क्या नजारा वहां पर फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी पुनीता, मैं खड़ा हूँ गांधी मैदान के स्टेज के ठीक सामने, नीचे की तरफ मीडिया गैलरी में, और मेरे पीछे कार्यक्रम शुरू हो चुका है जी। सभा के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और एक स्मार पत्र भी सरकार के नाम प्रस्तुत किया जा रहा है। इस स्मार पत्र के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं ताकि कार्यक्रम के बारे में कुछ वृतांत अपने दर्शकों तक पहुंचे। पार्टी को लगता है कि बड़े संघर्षों और बड़ी उम्मीदों के बाद झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, लिहाजा जन आकांक्षाएं बहुत हैं और खास करके संथाल परगना लोगों की आशाएं बहुत हैं। दुमका में हाई कोर्ट का एक डिविजनल बेंच बनाया जाना एक स्मार पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, पॉइंट है, जिसके बारे में अभी बातचीत चल रही थी। मैं अगर आप स्टेज के बारे में बात करें तो आपको मैं दिखाता हूं कि अब किस तरह से एक भव्य स्टेज यहां पर सामने बनाया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 41वां झारखंड दिवस, और स्टेज पर शिबू सोरेन की तस्वीर है, दाएं तरफ हेमंत सोरेन की तस्वीर है और बीच में पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं, युवा चेहरे जो विधायक के रूप में भी हैं, सांसद के रूप में भी हैं, वो उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। अगर मैं शुरुआत करूं तो विजय हांसदा जो सांसद हैं राजमहल से, उनकी तस्वीर है।
स्टीफन मरांडी की तस्वीर है, नलिन सोरेन की तस्वीर है, हाजी हुसैन अंसारी की तस्वीर है, चंपा सोरेन मथुरा प्रसाद महतो की तस्वीर है, जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनकी तस्वीर है। ये सारी तस्वीरें करीने से सजाई गई हैं और एक बहुत भव्य स्टेज का निर्माण किया गया है जिस पर लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। फ्रंट पे अगर बात करूं तो नलिन सोरेन बहुत पहले से बैठे हुए हैं सफेद लिबास में, शशांक शेखर भोक्ता बैठे हुए हैं जो झारखंड विधानसभा के सभापति भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं पिछली सरकार में जी। उनके बगल में लोबिन हेमरम बैठे हैं, लोबिन के बगल में महुआ मांझी बैठी है, पीछे हरिनारायण राय बैठे हैं जो पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने पार्टी से पिछला चुनाव भी लड़ा था। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पार्टी के जिला अध्यक्ष और सचिव क्रमशः अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और थोड़ी देर में शिबू सोरेन जो दिशुम गुरु हैं उनका आगमन हो जाएगा और फिर उनकी मौजूदगी में सभा चलेगी, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे, कार्यक्रम का एक बाकायदा उद्घाटन होगा यहां पर और कार्यक्रम का समापन पुनीता जी शिबू सोरेन के भाषण के साथ होगा जी। और उसी भाषण के इंतजार में ये सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन सहयोगी से कि जरा पैन करके दिखाएं कि इस वक्त गांधी मैदान में कड़ाके की ठंड है लेकिन फिर भी कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ठंड में कहीं कोई नगाड़ा लेकर बैठा है, कोई बांसुरी लेकर बैठा है, लेकिन तन्मयता से बैठ करके स्टेज पर से अपने नेताओं की बातें सुनना यही यहाँ की परंपरा है। 41वां साल है और 41 साल से लगातार कई उठा पटक और कई ऊंच नीच वाले दौर से भी गुजरी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इन सब संकट काल से गुजरते हुए, संक्रमण काल से गुजरते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा 2020 में जब अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है तो पार्टी सत्ता में है, पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है और ये जो दृश्य है ये साल में एक बार 2 फरवरी को यहाँ दिखाई देता है। अभी अभी मैं स्टेज पर से लोगों को सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि 40 साल पहले पाकुड़ से दुमका लोग पैदल आया करते थे, दो दो दिन तीन तीन दिन यहाँ पर पैदल चल के आना और अपने नेता की बात सुनना और यहाँ से फिर वापस उसी रास्ते पैदल चलते हुए जाना, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वहन आज भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेज पर अब फिर कोई नया व्यक्ति वक्ता के रूप में आ चुका है, धीरे धीरे भीड़ जमा हो रही है और बिल्कुल शहनवाज आप जहां जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां पर साफ देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है हर किसी के लिए जो जेएमएम के समर्थक है उनके लिए आज खुशी का दिन है। शहनवाज आप नजर बनाए रखें, जब शिबू सोरेन पहुंचेंगे, सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज।